CIET NCERT पेश करते हैं आला सानवी यानी सीनियर सेकेंडरी दर्जे की दरसे किताब गुलिस्ताने अदब में शामिल उर्दू नज्मों का गुलदस्ता। आइए इसमें सुनते हैं नज्म याद नगर। महतरम सामीन, आज हम दर्जा 12 की किताब गुलिस्ताने अदब में शामिल एक नज्म याद नगर पेश करने जा रहे हैं, जिसकी तख्लीक शफीक शेरा ने की है। ये नज्म उनकी इनफरादी उसलूब की बेहतरीन नुमाइंदगी करती है। नज्म याद नगर। मैं ओस बन के बरस जाऊं तेरे सब्जे पर, मैं गीत बन के तेरी वादियों में खो जाऊं, बस एक बार बुला ले मुझे वतन मेरे, बस एक बार बुला ले मुझे वतन मेरे, कि तेरे खाक के दामन में छुप के सो जाऊं। शगुफ्ता घास में ये जर्द जर्द नन्हे फूल, शगुफ्ता घास में ये जर्द जर्द नन्हे फूल, न जाने किस लिए पगडंडियों को तकते हैं, उन्हें खबर ही नहीं कि उनको चुनने वाले आज घरों से दूर किसी कैंप में सिसकते हैं। कई घरानों की फरियाद इसमें डूब गई, कई घरानों की फरियाद इसमें डूब गई, अब इस कुएं पे ना आएगी कोई पनहारी, किसान खेत न सींचेंगे ऐसे पानी से, हरी न होगी इसे पी के कोई फुलवारी। यहीं नदी के किनारे उसे दबाया था, यहीं नदी के किनारे उसे दबाया था, मगर शबानों को वो बारहा नजर आई, हटी जो रेत तो चमका वो चांद सामा था, चली हवा तो वो रेशम से जुल्फ लहराई। मैं तेरे पाँव पड़ूं हाथ रोक ले कातिल, मैं तेरे पाँव पड़ूं हाथ रोक ले कातिल, उसे ना मार जो तेरी तरफ हुमकता है, ये तेग को भी खिलौना समझने वाला है, ये लाल फेंक के अंगारा चूस सकता है। कहा किसी ने कि वो जल्द लौट आएंगे, कहा किसी ने कि उम्मीद अब बहुत कम है, इलाही डूबते दिल को ज़रा सहारा दे, इलाही डूबते दिल को ज़रा सहारा दे, मेरे चिराग की लौ आज कितनी मध्यम है। न बोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, न बोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, मगर ये गीत उसे आह कैसे याद आया। वो अपनी माँ से लिपट कर न रो सकेगी कभी, वो अपनी माँ से लिपट कर न रो सकेगी कभी, न सर पे हाथ कभी रख सकेगा माँ जाया। सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं, पड़ोसियों से ये कह दो वो मशअलें रखते हैं, पड़ोसियों से ये कह दो वो मशअलें रख दें, पड़ोसियों से ये कह दो वो मशअलें रख दें, कि एक गांव के घर साथ साथ जलते हैं। इलाही शाम अब उस गांव में ना आने पाए, इलाही शाम अब उस गांव में ना आने पाए, इलाही शाम अब उस गांव में ना आने पाए, कि उसके आते ही दुखियाएँ मिल के रोती हैं, दरिंदे अपने भट्टों में दहलने लगते हैं, हवाएं कोह से टकरा के जान खोती हैं। दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, दिए के वास्ते नन्हे पनाहगीर न रो, फलक पे देख वो कंदील माह रोशन है। इसी फ़ज़ा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, इसी फ़ज़ा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, इसी फ़ज़ा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है। तलाई घास से वादी में था तला तुम सा, तलाई घास से वादी में था तला तुम सा, हवा में नरम शुआओं की सरसराहट थी, नया था चश्मे महर और नया था रंगे सिपहर, नया था चश्मे महर और नया था रंगे सिपहर, हर एक गोशे में लेकिन अजल की आहट थी। हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, कलम को तेज चलाओ कि ये भी डूब न जाए, खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं, खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं, कि एक बार ये जाए तो फिर पलट के ना आए। ये चांदनी का उजाला ये नीम शब का सुकून,
ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, सफ़ेद गुम्बदो दर दूध में नहाए हुए सितारों, कोई कहानी कहो कि रात कटे। सितारों कोई कहानी कहो कि रात कटे, न याद आए मुझे रोज़ शब भुलाए हुए। मैं ओस बन के बरस जाऊँ तेरे सब्ज़े पर, मैं गीत बन के तेरी वादियों में खो जाऊँ। मोहतरम सामीन, शफीक शेरा की ये नज़्म उनकी एक नुमाइंदा नज़्म है। इसका आहंग और इसका मखसूस नगमा कारी को मुतवज्जे करता है। इस नज़्म में वतन से दूरी या जला वतनी के एहसास को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। इस नज़्म की फ़ज़ा गम अंगेज़ और दर्दनाक है। कत्लो गारत गरी के अल्फाज नज़्म के मरकज़ी ख्याल की तरफ इशारा करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, जब आप अपने घर से दूर रहते हैं तो अपने घर की याद बहुत आती है। उस वक्त छोटी छोटी बातें आपकी नज़रों के सामने यके बाद दिगरे आने लगती हैं। अपने ऐसे एहसासात को आप भी नज़्म की सूरत में पेश कर सकते हैं। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे नज़्म याद नगर। एकेडमिक कोऑर्डिनेशन डॉक्टर इरम खान, नज़्म गोई गुलाम गौस, तौज़ी जमशेद आलम, साउंड रिकॉर्डिस्ट बटी लैंग लिंगदो, प्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन वंदना आरिमर्दन, प्रोडक्शन असिस्टेंस मयंक थपलियाल। ये प्रोग्राम CIET NCERT की पेशकश है।